प्राकृतिक आपदा प्रबंधन की तैयारियों तथा इससे होने वाले नुकसान को कम करने के उद्देश्य से 11 जुलाई को जिला मुख्यालय हमीरपुर में 5 स्थानों एसपी ऑफिस एनआईटी स्थानीय राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बालिका क्षेत्रीय अस्पताल मेडिकल कॉलेज तथा गांधी चौक में मेगा मॉक ड्रिल का किया जाएगा आयोजन। प्राकृतिक आपदा प्रबंधन की तैयारियों तथा इससे होने वाले नुकसान को कम करने के उद्देश्य से 11 जुलाई को जिला मुख्यालय हमीरपुर में 5 स्थानों एसपी ऑफिस एनआईटी स्थानीय राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला क्षेत्रीय अस्पताल मेडिकल कॉलेज तथा गांधी चौक में मेगा मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में आज हमीर भवन में अतिरिक्त उपायुक्त रतन गौतम की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि इस मॉक ड्रिल का मुख्य उद्देश्य विभिन्न विभागों तथा एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल, सहयोग तथा क्षमता का आकलन करना के साथ साथ लोगों में जागरूकता पैदा करना है, ताकि किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं के दौरान प्रभावशाली ढंग से निपटा जा सके। उन्होंने बताया कि इस बार जिला मुख्यालय पर मेगा मॉक ड्रिल के आयोजन के लिए 5 स्थानों को चिन्हित किया गया है। एनआईटी हमीरपुर घटना स्थल के साथ साथ स्टेजिंग स्थल के रूप में भी कार्य करेगा, जहां से घटनाओं को लेकर समस्त कार्रवाई का संचालन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं से बेहतर तरीके से निपटने के लिए मॉक ड्रिल एक पूर्व तैयारी है। इससे विभिन्न विभागों तथा एजेंसियों में परस्पर बेहतर समन्वय, सहयोग, क्षमता तथा आत्मविश्वास को बल मिलता है। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त जिला में सभी उपमंडलों पर भी 11 जुलाई को प्राकृतिक आपदाओं को लेकर मेगा मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। जिला मुख्यालय की तरह ही उपमंडल स्तर पर संबंधित एसडीएम मॉक ड्रिल के लिए 4-4 स्थानों तथा एक स्टेजिंग स्थल का चयन कर इसकी सूचना 2 दिन के भीतर अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर एक्सीडेंट रिस्पांस टीम आईटीआरटी गठित कर दी गई है तथा उपमंडल स्तर पर भी संबंधित एसडीएम विभिन्न विभागों की आईआरटी का शीघ्र गठन करेंगे। डीसी ने कहा कि समस्त विभाग अपने अपने विभाग में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति कर मोबाइल नंबर तथा प्राकृतिक आपदाओं को लेकर अपने पास उपलब्ध संसाधनों की सूची डीडीएमए को 9 जुलाई तक उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही जिला के लिए स्टेक होल्डर विभाग तथा संबंधित एसडीएम अपने अपने उपमंडल में कार्यरत सभी सरकारी संस्थानों में 11 जुलाई को सुबह 11 बजे सभी ड्रॉप कवर होल्ड तथा मॉक ड्रिल का आयोजन करवाना सुनिश्चित करने के साथ साथ 2 दिन के भीतर फोटोग्राफ सहित विस्तृत रिपोर्ट डीडीएमए को प्रस्तुत करेंगे। इस अवसर पर आदेशक गृह रक्षा सुशील कौंडल, एसडीएम सुजानपुर शिवदेव सिंह, एसडीएम बोरेंज डॉक्टर अमित कुमार शर्मा, जिला राजस्व अधिकार पवन शर्मा, डीएफएससी शिवराम सहित अन्य विभागों के अधिकारी भी उपस्थित थे।